नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेलुलर जेल के इतिहास के बारे में। जी हां, इस जेल का निर्माण लगभग 1896 से 1906 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। अंडमान का जेल के रूप में उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा था। 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के होश उड़ा दिए थे। उन्हें आभास हो गया था कि उनकी जड़ें अब भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली है। दिल्ली में हुए युद्ध के बाद अंग्रेज यह जान चुके थे कि उन्हें अब युद्ध अपनी बहादुरी के बल पर नहीं बल्कि जासूसी और षड्यंत्रों से जीतना पड़ेगा। उन्होंने इसी विचारधारा को अपनाया और अंग्रेजों ने इस क्रांति को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही भयंकर सजा दी। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस क्रांति को एक सैनिक हिंसा कहकर अपनी सरकार की छवि को सुधारने की कोशिश की थी। इस क्रांति के दौरान कई लोगों को फांसी दी गई थी तो कई को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया गया था। अंग्रेजी सरकार जिन लोगों को ऐसी यातनाएं नहीं दे पाती थी तो वह उन्हें ऐसी जगह भेज देती थी जहाँ से वो कभी वापस ना लौट सके। ब्रिटिश सरकार ने बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान की जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिनकी याद में वहाँ एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिनमें उनके बलिदान के बारे में आसानी से देखा और समझा जा सकता है। तो चलिए आज हम इसी सेलुलर जेल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। इस विश्व प्रसिद्ध जेल के निर्माण में लगभग 10 वर्षों से अधिक का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1896 ईस्वी में आरम्भ किया गया था, जिसे वर्ष 1906 तक बनाकर पूर्ण कर लिया गया था। इस जेल का नाम भी इसकी विश्व प्रसिद्ध संरचना के आधार पर रखा गया है। इस जेल की अंदरूनी संरचना एक कोठरी जैसी है, इसलिए इसे सेलुलर जेल कहा गया है। इस जेल के अंदर लगभग 696 से अधिक कोठरियां हैं और इन कोठरियों को इस प्रकार बनाया गया है कि कोई भी अपराधी किसी दूसरे अपराधी से न मिल सके। इस जेल का प्राचीन रूप एक ऑक्टोपस के आकार की तरह नजर आता था क्योंकि यह 7 शाखाओं में फैला हुआ था, परंतु स्वतंत्रता के समय इसकी 4 शाखाओं को अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया गया था, जिस कारण आज इसकी केवल 3 ही शाखाएं दिखाई देती है। इसकी संरचना इस प्रकार की गई थी कि 7 गलियारे जो कि शाखाएं निकलती थी वो टावर से एक गलियारे के माध्यम से जुड़ी हुई होती थी। इसमें बने टावर की सहायता से यहाँ के कैदियों पर सख्त निगरानी रखी जाती थी। इस जेल में देश के विभिन्न भागों से लाए गए स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा जाता था और उन्हें कोहलू पर तेल पिराई करना, पत्थर तोड़ना, चक्की पीसना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियां बांधे खड़े रखना आदि जैसी कठोर सजाएं दी जाती थी। वर्ष 1863 ईस्वी में बंगाल के सबसे प्रसिद्ध उपशास्त्री रेव हेनरी फिशर कॉर्बिन को भी इस जेल में भेजा गया था। उन्होंने वहां अंडमान होम की स्थापना की, जो एक धर्मार्थ संस्था के रूप में छिपी हुई एक दमनकारी संस्था के रूप में उभरी थी। वर्ष 1868 में एक विद्रोह के बाद लगभग 733 से अधिक कैदियों को कराची से इस जेल में भेजा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के 2 प्रसिद्ध जेलर डेविड बैरी और मेजर जेम्स पैटिसन वाकर ने इस जेल में लगभग 200 से अधिक विद्रोहियों को भेजा था और उन्हें काफी कठोर यातनाएं भी दी थी। वर्ष 1933 में इस जेल में कैदियों द्वारा भूख हड़ताल ने जेल के अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर खींचा था। इस जेल के 33 कैदियों ने उनको मिले अमानवीय यातनाओं का विरोध किया और भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वर्तमान में इस जेल को एक अस्पताल और संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया है, जिसकी दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। इसके संग्रहालय में आज भी उन अस्त्रों को रखा गया है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। 11 फरवरी 1979 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया था। जापान ने वर्ष 1942 में अंडमान द्वीप पर हमला किया था और इस जेल को ब्रिटिश कैदियों के लिए विकसित कर दिया था, और इस अवधि के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने भी द्वीप का दौरा किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने सेलुलर जेल के बारे में कुछ रोचक तथ्य जाने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम ये वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।